इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपके पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो किया क्या जाए। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग ट्राई करते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आप सोचिए कि क्या हम लोग किसका कौन डेरिवेटिव है ना। उससे पहले आप कोई स्टैंडर्ड फॉर्म अपीयर कराने की कोशिश करिए। तो हमें ये दिख रहा है कि अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव देखें तो क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो हम लोग साइन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या साइन के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन साइन के साथ अगर वन प्लस भी ले लिया जाए तो वन का वन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वन प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव पूरा ही कॉस एक्स हो जाएगा। तो क्यों हम साइन एक्स को टी एज्यूम करें, क्यों ना हम पूरे को टी एज्यूम कर ले, है ना। तो अब क्या करोगे आप, एज्यूम कर लोगे लेट वन प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स इट बिकम डी टी। अब आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल टी में कन्वर्ट करना है। तो कॉस एक्स डी एक्स ये पढ़ा है आप, इसको आप क्या लिख दोगे, डी टी लिख दोगे, और नीचे आपने टी तो रखा ही है, तो ये हो जाएगा आपका वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो ये आपका टी की पावर वन बाई टू एक्स पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, वो क्या होता है आपका एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, मतलब थ्री बाई टू हो जाएगा, और थ्री नीचे थ्री बाई टू ये हो गया प्लस सी। लेकिन टी में आंसर तो छोड़ेंगे नहीं, टी हमारा डमी वेरिएबल है, क्या किया जाए, टी को यहाँ पे हमें वन प्लस साइन एक्स रखना है, तो इट बिकम टू वन प्लस साइन एक्स की पावर थ्री बाई टू और अपॉन क्या है आपका थ्री प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।